नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका तारा चंद। हवेलियों के इस सीरीज में अब मैं आपको ले जा रहा हूं नवलगढ़ से थोड़ा आगे मंडावा की तरफ। जब हम इस रास्ते पर जाते हैं तो रास्ते में आता है ढूंढलोत। दोस्तों नमस्कार, मैं जयपुर से निकला था झुंझुनू के लिए और बीच में मुझे किसी ने बताया कि नवलगढ़ और ढूंढलोत में कई ऐसी हवेलियाँ हैं जो बहुत पुरानी हैं, 100 से करीब 500 साल पुरानी। तो मैं भी हूँ ढूंढलोत में और यहाँ पर सेठ अर्जुनदास गोयनका, उनकी एक हवेली है, बहुत खूबसूरत है। बस फर्क इतना है, पहले यहाँ लोग रहा करते थे, आज उनके पुतले हैं। चलिए मैं साथ आपको घुमाता हूँ, दिखाता हूँ कि किस तरह की ये हवेली है और क्या खास है। 1870 में एक हवेली बनी जिसका नाम है सेठ अर्जुनदास गोयनका की हवेली। जैसे ही मैंने हवेली के अंदर कदम रखा, बाईं तरफ एक बैठक हॉल बना हुआ था जिसमें कुछ पुतले रखे हुए थे। उनमें से एक पुतला सेठ अर्जुनदास जी का ही था जो कोनी टिकाए बैठे हुए थे। मुनीम जी हिसाब किताब देख रहे थे और कुछ लोग उसके आसपास बैठे हुए थे। यहाँ पर आप देखिए, घाय से लेकर पूरा बैलगाड़ी, उसके अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। मतलब जिस हवेली में जहाँ लोग पहले उत्सव मनाया करते थे, आज वहाँ पर इंसान न होकर सिर्फ पुतले रह गए हैं। बताया जाता है कि सेठ जी के जो परिवार वाले हैं, उन्होंने हवेली को जीवंत रखने के लिए ये पुतले बनवाए हैं। लेकिन हवेली सुनिए, अगर आपको इस हवेली पे आना है तो जयपुर से नवलगढ़ के रास्ते होते हुए मंडावा तरफ जाएंगे तो बीच में आएगा ढूंढलोत। यहाँ पे दो चौकीदार हैं, बताते हैं कि सेठ जी ने कलकत्ता से कारीगर भेजे थे, वे ही मूर्तियाँ बनाकर लाए हैं। अब ये हवेली एक म्यूजियम हो गई है, पर्यटक आते हैं हवेली का वैभव देखकर और हैरान रह जाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, ये जानकारी, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें।